बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी के निशाने पर आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। पहले बिहार के विधि मंत्री और उसके बाद तेज प्रताप यादव निशाने पर हैं। अब जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसमें तेज प्रताप यादव अपने बहनोई के साथ विभाग के मीटिंग में बैठे हुए दिख रहे हैं। सवाल बीजेपी ने उठाया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने वीडियो जारी करते हुए सवाल पूछा है नीतीश कुमार से, क्या अब बहनोई और जो साला की सरकार में जो मंत्रालय मिला हुआ है इसमें यही लोग बैठकर मीटिंग करेंगे और सरकार चलाएंगे। उसके बाद एक और तस्वीर आई और ये तस्वीर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उनके निजी सहायक राजनीतिक सलाहकार संजय यादव की है। इस पर भी सुशील मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाया, कहा कि सरकारी मीटिंग में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता के हैसियत से संजय यादव क्यों बैठे हैं। खैर, अब आरजेडी के तरफ से भी पलटवार हुआ है। अब बीजेपी नेताओं के बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं केंद्र में उनकी तस्वीरें निकल के सामने आई है। ये तस्वीरें बिहार के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी सांसद, भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे की तस्वीर है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। आरजेडी के जो युवा के जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर सीधे तौर पर लिखा है कि जिन लोगों को आरजेडी कोटे के मंत्रियों के रिश्तेदार या उनके साथ रहने वाले लोगों से आपत्ति है वो बताएं कि आखिर अश्विनी चौबे जब भारत सरकार में मंत्री हैं तो उनके कार्यक्रम में उनके बेटे क्यों पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बैठक में उनके बेटे क्यों दिख रहे हैं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। आरजेडी ने इस तरीके से कई तस्वीरें देकर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई है तो वो है आरजेडी कोटे के मंत्री और सवाल बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि नीतीश कुमार के शासन में भले ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया है लेकिन पूरा जो कंट्रोल है वो आरजेडी के पाले में है और यही वजह है कि बीजेपी इस बात पर आपत्ति जता रही है। हालांकि अब आरजेडी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अश्विनी चौबे और उनके बेटे की तस्वीरें आरजेडी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया है और सवाल पूछा गया है, कहा जा रहा है कि अब ये बताएं कि आखिर ये लोग कौन है, यह किस हैसियत से केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जब बैठक चल रही है विभागीय उसमें कैसे शामिल हो गए हैं, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में इस तरीके की तस्वीरें और भी आएंगी। सवाल अब दोनों तरफ से पूछा जाएगा क्योंकि आरजेडी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। सुबह से चल रही तमाम खबरों के बीच अब तक आरजेडी की चुप्पी दिख रही थी लेकिन अब आरजेडी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी को जवाब देने की शुरुआत कर दी है।